Good morning, Sreen. How are you, Sreen? Have your breakfast or meals? Right, Sreen. Today we are going to discuss English grammar, class 7th, chapter 5, voice change. Voice change. In our language, voice change means kartuvachya एवं कर्म बच्चे वाच्य परिवर्तन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वॉइस मींस वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ड सेज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड एक्ट्स और इज एक्टिव अपन माने एथि हम देखिबा क्रिया रो कर्ता निजे काम करुछि बा काम करुछि देयरफॉर वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब वॉइस होउछि वर्ब रो गोटे फॉर्म वेदर सेज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्रिया रो कर्ता एक्ट निजे एक्टिंग करुछि निजे काम करुछि ना से कहा द्वारा काम कराउछ चोरेन वॉइस इज टू टाइप्स एक्टिव एंड पैसिव व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स द सेंटेंस इज कॉल्ड इन एक्टिव फॉर्म आई रोट इंग्लिश नाउ हियर सब्जेक्ट आई एक्ट्स इटसेल्फ Therefore, here it is called active voice. Then the passive form, here the subject of the verb does not act, but is acted upon. I mean, see, ta dara kama heuchi, subject dara kama heuchi, karta dara kama heuchi. Tenu ketak basic, here changing words are there, active re some words achi, पैसिव वॉइस कला से हम चेंज करिबा आई चेंज इन टू मी वी अस दे देम सी हर ही हिम ओके इट इट यू यू ए बोले हम चेंज करिबा आउ गोटे बेसिक पॉइंट होछि देखो टेंस वाइज हेले कोन कोन रहिबनी एठी सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल रे वॉइस चेंज होई पाइबो कंटीन्यूअस रे पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस होई पाइबो आ फ्यूचर कंटीन्यूअस रो सेंटेंस रे वॉइस चेंज नाही परफेक्ट तीनोटिया का टेंस रो परफेक्ट रे होई पाइबो एक्टिव टू पैसिव परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रे वॉइस चेंज राइट वन Now come on here. Now see a sentence on the board. I wrote English. Subject ki hai? I. Ye jo I subject achi. Tapare ye kon aibo? By me heichibo. By me. Tale object kon achi? Passive form ka subject kon achi? English achi kon? मु इंग्लिश लिखली मु कोन लिखली इंग्लिश लिखली त इंग्लिश ता सब्जेक्ट जगह पर पड़ जासी पैसिव फॉर्म हैला तबे इंग्लिश हे गेला एठी वर्ब टे कोन अछि इ अछि सिंपल पास्ट डिड किमा वर्ब टू डिड प्लस वर्ब नहले वर्ब टू तबे वाज वेयर देके पास्ट टेंस फॉर्म पास्ट थिबारो वाज किमा वेयर देके एटा वर्ब 3 है जो मेन वर्ब का सदाले वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे रहइबो पैसिव फॉर्म तेन करी वर्तमान में देखिबा इंग्लिश वाज रिटन बाय ए भाई अनेक सेंटेंस अछि हैला आई एम प्लेइंग फुटबॉल कोन हो आई
प्लेइंग फुटबॉल प्रथमे टेंस देखिवो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे अछि ऑब्जेक्ट कोन अछि ना फुटबॉल फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी देखो यदि सेंटेंस कंटीन्यूअस फॉर्म रे थिवो तबे इथि बीइंग अछि चलत ओके एटी कोन अछि आई वाज प्लेइंग फुटबॉल फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय मी राइट वर्तमान सिंपल सेंटेंस गुड़ी को आसा आई प्लेड फुटबॉल फुटबॉल वाज प्लेड बाय मी आई प्ले फुटबॉल फुटबॉल इज प्लेड बाय मी आई विल प्ले फुटबॉल फुटबॉल विल बी प्लेड बाय वर्तमान परफेक्ट को आसा आई हैड अ किल ए स्नेक हैड किल बाय मी आई हैड अ स्नेक आई हैड किल ए स्नेक ए स्नेक हैड बीन किल बाय मी करेक्ट ए ब्रैकेट सो बीन लाग जो यदि सेंटेंस थी बोले थी परफेक्ट रो बीन बीन नहीं की करो आई हैड अ किल ए स्नेक ए स्नेक हैड बीन किल बाय मी आई हैव किल ए स्नेक हैज बीन किल बाय मी तुम्हे माने सदा बले देखिबो ए जो कर्म कर्ता जागा को आसला सेटा सिंगुलर अछि ना प्लुरल अछि फर्स्ट पर्सन अछि ना सेकंड पर्सन अछि ना थर्ड पर्सन अछि सेइ अनुसार आमे सेंटेंस टुकु गठन करिया वाक्य टुकु परिवर्तन करिया एटा कर आई विल हैव किल ए स्नेक स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय राइट स्टूडेंट एही वाली गला परे क्वेश्चन ने मध्य सेही वाली भाबरे परिवर्तन करिवो डब्ल्यूएच सेंटेंस थिले डब्ल्यूएच सेंटेंस करी करिवो सिंपल सेंटेंस थिले सिंपल क्वेश्चन थिले से अनुसार क्लोज द डोर इंपैरेटिव सेंटेंस देखो क्लोज द डोर क्लोज द डोर वर्तमान ये जो क्लोज द डोर यार फॉर्म अछि लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब 3 एंड अदर्स ओके स्टूडेंट तबे असाइनमेंट देखबा एथि कोन हबा ना लेट द डोर बी क्लोज लेट द डोर बी क्लोज राइट चिल्ड्रन लेट द डोर बी क्लोज ओके so this is called imperative sentence voice changer again you are now double h clause will now who killed ram who killed ravan dekho by whom kar do bhai thi who change into by whom past tense achi tedu kari ei kamai jo by whom was who killed ravan bujhela so dekha double h word achi double h word ei double h word jodi who ta by whom hei jibo tenu kari karma achi eti ta pare ame double h pakre nishchita helping verb aseba ta pare kon kariba na karma nawa ta pare verb the by whom was ravan unless ei word na likhile who kari likhiba eta la kimba who was ravan killed by ei boli bhabre ame chilo okay so who amar models tumi janicha shall should can could will would may might be verb nai kariyo okay I can speak English yes right very good boy okay English can be spoken by me. Okay, shall, should, can, could, may, might, will, would, must. Be nahi kariyo. Kana? Be lagi ge. Right, student. Come on. We have to see here. Come on to our exercises. Right, student. Exercise 1. Change the voice. Activity le passive kariyo. Passive le active kariyo. Okay. Dekha number 1. He eats rice. Rice is eaten by him. They are drinking milk.
milk is being drink drunk 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 by them. Okay. Now, दसवां नंबर देखो, we are eating apples. Apples are being देखो, we अच्छी आ रहा है ना? Apples ये तले subject जाके बसला, सही बोली बाबर हवा. Apples are being eaten by we रुकना, we रो us. सही बोली बाबरे, चलो ना ये बोली देखो, आउ गुटिये most important रखिवो, समान has stolen my purse. समान has stolen my purse. तेन को रही जाओ कौन करीब समान हाज स्टोलन माई बैग माई बॉस माई बॉस देखा चलो है समान अच्छी सब्जेक्ट का ये टाइप पर कुछ जीवन भी नहीं है माई बॉस My balls. समान जो कि सिंगुलर थिला, तेरे नो हाज थिला परफेक्ट अच्छी, हाज बीन कि मैं हैप्पी नहीं हवा. My balls have been, have been stolen. देखो, ये ठीक बाई समान का ही लिखा है लाना ही. तुम्हें माने समान सॉम्बडी जो भी सब्जेक्ट का है, तापर बोलो तापुरो बाई लगे बने कि बाई सम्मान सम्बड़ी लगे बने जिधर तन करी माय बॉल्स हैपनी स्टोलन लगे बने ओके सुमरन सो यू लर्न बेटर एंड डू दिस एक्सरसाइजेस ओके रीड रिमेम्बर एंड राइट ओके लर्न लर्न वेल एंड प्रैक्टिस फॉर द एग्जाम ओके सुनो प्राय हमर 10 तारीख ओके आसंदा 10 तारीख आडगु परीक्षा आरंभ हे जीव तेन करी द्वितीय मासिक परीक्षा एत पई ये हमर सिलेबस छि भल भाबरे हैला भल भाबरे पढ़ी करी से एक्सरसाइज लिख कर ओके सुनो हैव अ नाइस डे